नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल गैलरी वेदा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप भी इस पेड़ को देखे ही होंगे और इसके कुछ न कुछ फायदे के बारे में आपको पता भी होगा। यह आयुर्वेद की बहुत बड़ी औषधि है। इसके उपयोग करने से कई प्रकार के गंभीर बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। दोस्तों, इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का नाम एरंड है। कहीं कहीं पर इसे एरंडी भी कहते हैं। इस पेड़ के बीज से जो तेल निकलता है वह तेल हमारे लिए बेहद फायदेमंद होता है। दोस्तों, आज भी इसके तेल को बहुत लोग अपने बालों पर लगाते हैं क्योंकि इससे बाल की झड़ने की परेशानी दूर होती है और बाल काला होने लगता है। दोस्तों, एरंड का इस्तेमाल कमजोर कम इंद्रियों को मजबूत करने में बेहद फायदेमंद है। बहुत लोग कमजोर कम इंद्रियों की परेशानी से ग्रस्त है। इसके लिए आप एरंड के बीज और तिल का तेल दोनों को संभाग लेकर पकाकर नित्य कम इंद्रियों पर मालिश करने से मूत्र इंद्रियों की कमजोरी मिटती है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का उपयोग कम इंद्रियों की परेशानी को दूर करने में बेहद लाभकारी है। दोस्तों, बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में आज भी ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का सहारा लेते हैं। आप भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का उपयोग करें, इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको अंडकोष की बढ़ जाने की परेशानी है तो इसके लिए आप अरंड का उपयोग करके अंडकोष की वृद्धि की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप 10 ग्राम अरंड तेल को 3 ग्राम गुगुल और 10 ग्राम गौमूत्र के साथ सुबह शाम पीने से एवं वेदना स्थान पर एरंड के पत्ते को गर्म करके बांधने से अंडकोष की वृद्धि की परेशानी दूर होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जड़ी बूटी का उपयोग सदियों से ही इस्तेमाल हो रहा है, आज भी लोग करते हैं। दोस्तों, आपको एरंड का तेल बीज सभी मार्केट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें।